नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म अलर्ट और एग्जाम पाथफाइंडर .com पे विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट, आप उसको भी प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो द इंडियन नेवी के द्वारा एप्लीकेशन निकाली गई है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर पोस्ट की वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएगी और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट के लिए रिलीज़ की गई है वह 242। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, काफ़ी सारी वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए रिलीज़ की गई हैं। साथ ही इसके जो एप्लीकेशन है ये 29 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगी। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 29 अप्रैल 2023 से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 14 मई 2023। तो 14 मई 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ जो इनके द्वारा जारी किया गया है। तो इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए रेलवे फील्ड में। साथ ही यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इस तरह से डिटेल नोटिफिकेशन है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस गिवन है, साथ ही एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। और कौन सी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कितनी वैकेंसी है उसकी भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच और उनके नंबर ऑफ वैकेंसी, और कौन से डेट में, कौन से ईयर के बीच में वो बॉर्न होने चाहिए उसकी भी जानकारी गिवन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से डिटेल नोटिफिकेशन है। अप्लाई कैसे करना है उसकी भी जानकारी गिवन है, और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैकेंसीज के लिए टोटल 242 है। साथ ही सिलेक्शन प्रोसीजर गिवन है जिसको आप देख सकते हैं, और इसका जो पे है वो है 56,100 पर मंथ। और अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो है www.joinindianavy.gov.in पे विजिट करके आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रोसीजर केवल है जिसको आप देख सकते हैं, आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो इस तरह से डिटेल नोटिफिकेशन है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नोटिस को पूरी तरह से गो थ्रू करें, उसके बाद ही अप्लाई करें, ताकि आपकी सारी डिटेल जानकारी हो और नोटिस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो हमारे प्लेटफॉर्म पर विजिट करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है। इससे रिलेटेड अपडेट से बने रहने के लिए आप इवेंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अप्लाई नाउ का भी सेक्शन है, जिस पर टैप करके आप डायरेक्टली पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं, और इसकी एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगी तो आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। फीचर हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो डिस्कस बटन पर क्लिक करके हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आप लोगों की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे राइट एड रिप्लाई का सेक्शन है, जहाँ पे आप रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। ये अलर्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन सेक्शन वाइज बायफरकेट कर रखे हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन का सेक्शन है, तो जो भी लेटेस्ट इवेंट्स हैं वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे। आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे इवेंट्स को सर्च करना है, लेटेस्ट इवेंट है तो सेक्शन में आपको इवेंट ईजिली मिल जाएगा। आप ईजिली हमारे प्लेटफॉर्म पे इवेंट्स को सर्च कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इंस्टॉल ऐप का पॉपअप भी आएगा, जिस पर क्लिक करके आप ऐप को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।